गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें अब तक मेरे ख्याल से दो इंट्रो वीडियोज जा चुका है। दूसरे इंट्रो पार्ट में हम लोग साइन कॉस टैन तीन का इनवर्स फंक्शन निकाले थे, डिटेल में बताया गया था। आज हम लोग कॉट सेक और कोसेक का इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखते हैं कॉट किस पर डिफाइन है भैया। कॉट एक फंक्शन नहीं है, कॉट फंक्शन नहीं है। इसका रेंज क्या है? आर माइनस एन पाई टेंस टू आर। पिछली वीडियो में बताया था कि माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी था, तो उसके बीच जो नंबर्स आएंगे सब रियल नंबर्स ही होंगे, सब रियल नंबर्स होंगे। इसलिए डायरेक्ट यहाँ रियल नंबर लिखा जा रहा है, टेन में भी रियल नंबर लिखा गया। तो घबराया ना सर, इलेवंथ वाले इंट्रो पार्ट में दिए बताए थे, इसमें क्या बता दिए? हम वही बता रहे हैं जो उसमें बताए थे, केवल काम को ऐसे न पकड़ करके ऐसे पकड़ लिया गया है, बस इतना फर्क है। अगर यह कोई फंक्शन x से y में है तो cot x बराबर y इज नॉट बाइजेक्टिव, चेक कर लीजिए, बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसको इनवर्स बनाने के लिए हमने कहा था कि प्रतिबंधित करना होगा। क्या करना होगा? रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित करना होगा। प्रतिबंधित में देख लीजिए आप, यहां काट का एक स्लॉट हमने लिया है जीरो से पाई। देखिए जीरो से पाई, अब जीरो से पाई में आप देखेंगे कि यक्स की चाहे जो वैल्यू ले लें आप, वाई की एक वैल्यू मिलेगी, चाहे जो ले लें वाई की एक, वाई मतलब कॉट एक्स की एक वैल्यू मिलेगी। यहां भी अगर ये लेते हैं एक्स का मान ये, तो वाई का मान ही हो जाएगा, मतलब किसका? कॉट एक्स का। ये लेते हैं ये वन वन है, आंटो तो उसमें भी था जो पढ़ा रहे थे, ये वन वन भी है, आंटो भी है। तो इसलिए ये जीरो से टू पाई में क्या है? ये बाइजेक्टिव है, जीरो से टू पाई में बाइजेक्टिव है। ओके, अगर बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स फंक्शन हम निकाल सकते। तो यहां पर देखिए r माइनस एन पाई लिखे थे, और यहां क्या कर दिए, यहां काट जीरो से पाई, सॉरी जीरो पाई को छोड़ दिया हमने, जीरो पाई, क्योंकि जीरो वाले पर भी ये इंफिनिटी को अटेंड कर रहा है और पाई पर भी ये इंफिनिटी को अटेंड कर रहा है, ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। इसलिए इसको हमने क्या किया, ओपन इंटरवल में ले लिया, और टेंस टू आर होगा, ये बाइजेक्टिव हो गया। अगर ये बाइजेक्टिव हो गया, अबाउट डिटेल नहीं लिखे हैं, तो फंक्शन वाई टू एक्स जो होगा वह क्या होगा? फंक्शन वाई टू एक्स इनवर्स फंक्शन होगा किसका? कॉट का। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर कि हैंस कॉट इनवर्स आर टेंस टू जीरो टू पाई। बताए थे ये भी एक स्लॉट है या स्पैन है जहां ये फंक्शन आपका जो है बाइजेक्टिव है, यह भी है, आगे आगे आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन इसको जो है प्रिंसिपल इंटरवल माने हैं। क्या प्रिंसिपल? पिछली वीडियो में बताए थे हम कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसलिए प्रिंसिपल डोमेन को लेना होगा। इसको
सॉरी 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 प्रिंसिपल रेंज को लेना होगा हमको, अगर प्रिंसिपल वाली निकालनी है तो क्या हो गया ये? अब इसी का अपोजिट cot इनवर्स r टेंड्स टू जीरो पाई, बिटवीन जीरो एंड पाई, बिटवीन जीरो ओपन इंटरवल को पढ़ेंगे, बिटवीन जीरो एंड पाई यानी जीरो और पाई को छोड़ देंगे, ये आपका हो गया cot। अब लेते हैं sec, such that r माइनस इस पर डिफाइन नहीं होता है टू टू एल प्लस वन इन टू पाई बाई टू पर, और रेंज इसका यही है इसमें माइनस इंफिनिटू बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड माइनस वन, फिर उसमें यूनियन लिए थे ना वन से लेकर के इन्फिनिटी तक, वन से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, तो वही चीज यह भी, वही चीज यह भी। अगर इस फंक्शन या जेड टू वाई है तो सेक एस इज इक्वल टू वाई नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव बनाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, प्रतिबंधित करना पड़ेगा। सेक का ग्राफ यहाँ देखते हैं हम, सेक का ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, बनाए भी हैं यहाँ फिर बना हुआ है। ये देखिए इसमें जो है ये बाइजेक्टिव नहीं है, सारी बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, अगर जितनी दूरी इसकी यहाँ से है उतनी दूरी यहाँ ले लें तो y के एक मान मिलेंगे, मिलेंगे ना, ये तो मिनिमम हो गया, ये कहा बाइजेक्टिव वाला, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ये पार्ट ले लेंगे ये वाला, और फिर ये सॉरी यार सॉरी गड़बड़ बना हुआ है, हाँ ग्राफ का गड़बड़ बन गया था यहाँ पर बेटा, तो इसको आप रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। कैसे प्रतिबंधित करेंगे, देखो ये जीरो तो है ही, अब हम इस पोर्शन को लेंगे, इसको ये वन वन है और इस पोर्शन को लेंगे, इसको मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे, ठीक है, ये ले लिया जीरो से ये पैरेलल हो जा रहा है, यहां ये पैरेलल हो गया। इसका रेंज क्या हुआ, देखो जीरो से पाई, देखो यहां से यहां तक ये वन वन और वन टू दोनों है, यहां से यहां तक ये वन 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 टू दोनों है, ठीक है, तो रेंज हमने क्या लिया जीरो से पाई, लेकिन देखिए इसी में बेचारा पाई बाय टू आ गया है, क्या आ गया है पाई बाय टू, तो पाई बाय टू को डिफाइन नहीं है ये आपका, इसलिए इसका रेंज क्या हुआ जीरो से पाई। ग्राफ फिर गलत बन गया, ग्राफ फिर गलत बन गया, हाँ बेटा ग्राफ का वही काश का उल्टा बना रहे थे, सिर्फ काश का उल्टा बनाने में अब यहाँ खींचे हैं तब इसी का उल्टा बनाए। चलिए तो ये ऐसे जा रहा था ऐसे, ठीक है, तो रेंज हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, ध्यान दो, फिर इस पोर्शन को हटा दिया हमने ये, कैसे बन रहा है देखो यहाँ पर ऐसे होगा ऐसे, ये ऐसे उलट जाएगा, ये कॉस में कहाँ आ जाएगा सी पाई बाई टू पर आ जाएगा, ये जो ऐसे था कि ये ऐसे हो जाएगा, ये जीरो से पाई तो ये होगा, सही है जीरो से पाई, गुड, इधर वाला बना इधर वाला है
ये वाला लेना चाहिए था, ठीक है, ये वाला ग्राफ लेना चाहिए था। देखिए ये क्या है, ये वन वन है, मेनी वन है, सॉरी ऑनटो है, बाइजेक्टिव हो गया यहां से। अब ये देखिए पाई बाई टू पर इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है, ये हो तो इसका इंटरवल क्या हुआ, जीरो से पाई, जीरो से पाई तो हो गया, लेकिन पाई बाई टू पर ये डिफाइन ही नहीं है, अनंत पर जा रहा है, इसलिए पाई बाई टू को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। जीरो पर एक है, पाई बाई टू पर माइनस वन है, देखो जीरो पर क्या है एक, जीरो पर एक, और पाइप कितना है, पाइप कितना है माइनस में, इसीलिए क्लोज इंटरवल लग गया है भाई, जीरो पर वन भाई, अब जीरो से शुरू हो गया और पाइप पर माइनस वन, इसीलिए पाइप तक आ गया ये, तो क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पर ये डिफाइन नहीं है, ये छूट जा रहा है बीच में, तो इसका रेंज क्या हुआ, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू टेंड्स टू वन आर माइनस वन वन, ओपन इंटरवल वन वन, क्यों वन वन ओपन क्यों किए, देखो वन से ज्यादा होगा, वन से ज्यादा होगा और यहां माइनस वन से कम होगा, ठीक है ना, मतलब जीरो से वन के बीच बीच की वैल्यू नहीं हो सकती, और माइनस वन से जीरो के बीच में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर हमने ओपन इंटरवल लगाया है भाई, देखो माइनस वन से ज्यादा, सॉरी प्लस वन से ज्यादा और माइनस वन से कम, ठीक है, माइनस वन से कम, इधर आएगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कम होगा ना, तो इसका मतलब इस बीच में ग्राफ माइनस वन से लेकर के माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक ग्राफ है ही नहीं, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, बाइजेक्टिव है, क्या है ये, sec x = y इज नॉट बाइजेक्टिव, अगर इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसके डोमेन को, sec के डोमेन को जब हमने प्रतिबंधित कर दिया तो क्या बन गया ये, बाइजेक्टिव, और जो बाइजेक्टिव बन गया बेटा इसका इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका, हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, sec इनवर्स व्हाट r माइनस बिटवीन माइनस वन एंड वन, ठीक है, टू व्हाट क्लोज इंटरवल जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, इसका डोमेन क्या हुआ, आर माइनस माइनस वन वन, ठीक है, रेंज क्या हुआ, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, और सेक का भी साथ बताया कि नहीं बताया थे कॉट का, अब इसका क्या हो गया, ये रेंज हो, डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया, इसका डोमेन ये, इसका रेंज ये, बताए थे कि डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू तीन चीज इसमें पढ़नी है। अब हम ब्लैक बोर्ड को मिटाना चाहेंगे और अंतिम कोसेक एक्स का इनवर्स लेंगे हम, हाँ तो देखते हैं कोसेक एक्स, कोसेक का डोमेन देखते हैं, ये आर माइनस एन पाई है और एन आर माइनस बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये डोमेन, ये इसका रेंज हुआ, और इसका जो ग्राफ देख रहे हैं ऐसे है, साइन एक्स का ठीक उल्टा है ये, ऐसे है, ठीक है, फिर आगे ऐसे जाएगा, तो दो ले लिया है। अब यहां भी आप देख लीजिए, चाहे यहां भी देख लीजिए, इसे एक्स का मान लिया यहां पर, तो क्या हो गया, वाई का एक मान मिला, मेनी वन हो गया, वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, तो वन वन को बनाने के लिए इसे हम लोगों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। प्रतिबंधित कैसे करेंगे, अब केवल ये पार्ट ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला,
मतलब इसको अब हम क्या दे रहे हैं, इसको हम क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं कि यहां से यहां तक, यहां तक तो नहीं है, तक इसलिए नहीं है कि ये जीरो पर ये इंफिनिटी को अटेंड कर रहा है। फिर पाई बाय टू पर प्लस वन है, यहां माइनस पाई बाय टू पर माइनस वन है, ठीक है, और जीरो पर फिर इंफिनिटी को अटेंड कर रहा है। इस तरह से कई इंटरवल आपको मिलेंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल इंटरवल है, कहां माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, ये प्रिंसिपल इंटरवल है। अब इसको क्लोज इंटरवल मिलेंगे, क्योंकि पाई बाय टू पर वन और माइनस पाई बाय टू पर माइनस वन, तो इसको हमने क्लोज इंटरवल में इसके डोमेन को लिख दिया माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू तक, अरे इसका वही रहेगा। अब ये यहां से यहां तक क्या है, ये बाइजेक्टिव है, एक्स के हर मान पर वाई का एक अलग मान आएगा, एक्स के अलग अलग मानों पर वाई के अलग अलग मान आएंगे, यहां मिनिमम का कोई चांस नहीं है, ये वन वन भी होगा और आंटो भी होगा, इसीलिए बाइजेक्टिव को फंक्शंस नहीं काटे थे, जान रहे थे, बुद्धिमानी किए हैं, अगर बाइजेक्टिव को काट देंगे तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यह हो गया बाइजेक्टिव, अब इसका इनवर्स फंक्शन हम ले सकते हैं, कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स वाई बराबर एक्स, कोसेक इनवर्स वाई बराबर एक्स, अब हो जाएगा इस डोमेन में, इस डोमेन में, तो हम डायरेक्ट ले लिए इसी का इनवर्स, कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स, अगर कहीं कॉस बोला हूं तो सॉरी, कोसेक इनवर्स आर माइनस दिस मच टेंड्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लोज इंटरवल है। अब ये क्या हो गया इसका डोमेन, ये क्या हो गया रेंज। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एक नंबर में पूछेगा कि छह जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसमें से पूछेगा इसका डोमेन या रेंज क्या है, या न्यूमरल मार्क्स बहुत अधिक नहीं आएंगे, लेकिन आपको 100 मार्क्स से तो रोक देगा, या आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ आप दिक्कत में आ जाएंगे, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं जान भी रहा हूँ कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हल्का से वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद चले जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाया नहीं जाएगा, जो YouTube पर गया, जिसके पास मोबाइल नहीं है, ये गार्जियन की जिम्मेदारी है, वो मोबाइल खरीदें, मैं मोबाइल खरीद के नहीं दूंगा, मैं सरकार नहीं हूँ कि मैं अपने मन से जो है स्कूल बंद करके आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, YouTube हम वाईफाई 2000 का लगवा करके ऑनलाइन पढ़ा देते, सूचना दे करके, बाद रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक मुझे जगना पड़ता है YouTube पर कि एक मोबाइल से 8 बच्चे पढ़ लें, इसलिए ऐसा करता नहीं। आप लोग सोच रहे हैं फीस माफ है, इस फीस नहीं माफ है, देना पड़ेगा पूरी पूरी फीस, पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, पास और फेल तो आपके कर्म पर निर्भर करेगा, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम जानते हैं, हम अपना देखते हैं वीडियो कि कौन सा वीडियो कितना देखा गया, कितने बच्चे हैं, कितना देखा गया, देखता हूं कितना समय तक पढ़ा गया, वह भी देखता हूं, समय में मान लेता हूं कि आप ऑफलाइन कर लिए, समय कम लगा, ये व्यूअर्स होने चाहिए, अपलोड किया है आज का, नो व्यूज, वन व्यूज, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, बाकी कोई नहीं देखा, मत देखो फिर मिलने वाला नहीं है, नोट कर लेना। इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ। अब आप लोग बकायदे साइन यूनिवर्स से लेकर के कोसेक यूनिवर्स तक जितने फंक्शंस हैं सबके डोमेन और रेंज लिख लीजिए और याद कर लीजिए, आप LKG के बच्चे नहीं हैं। अब मैं आगे एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा 2.1, वही 2.1 लास्ट एक्सरसाइज होगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का। थैंक यू सो मच।